नमस्कार, कंपटीशन कॉमेडी के एमसीक्यू सीरीज में मैं पुखराज करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और मैं लेके आ चुका हूं अपने सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ जीएस का चौथा वीडियो। पहले वीडियो में हमने क्या किया था, तो संभाग परिचय में से एमसीक्यूज को देखा था, सेकंड में छत्तीसगढ़ के भूगोल, थर्ड में लोक कला संस्कृति से देखा था और चौथे वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास से हम क्वेश्चन को देखने वाले। ठीक है, फिर से पैटर्न वही रहेगा, कुछ सिंगल वन लाइनर फैक्ट्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मैच दी कॉलम्स रहेंगे और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ताकि सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करने का आपको फील आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, 36 आरो वाले पहिए का शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है। 36 आरो वाला पहिया मतलब क्या हुआ, 36 स्पोक्ड व्हील, या व्हील विद 36 स्पोक्स भी कर सकते हो। शैल चित्र मतलब रॉक आर्ट, समझ में आया। तो ऐसा शैल चित्र या रॉक आर्ट जिसमें क्या है, एक चक्का है जिसमें 36 आरे या स्पोक्स हैं, ऐसा कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है चितवा डोंगरी, दूसरा गोटी टोला, तीसरा कबरा पहाड़। एक बार इन सभी को मैप पे थोड़ा सा प्लॉट भी कर लेते हैं। तो चितवा डोंगरी अभी तक कईयों बार बता चुका हूं कि प्रैक्टिकली बालोद में है, थ्योरेटिकली कहाँ है, तो राजनांदगांव में। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली को मानो तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये क्या है, तो चितवा डोंगरी। ठीक है, अगला क्या है, गोटी टोला। अब ये जो बालोद है इसके दक्षिण में एक जिला है, नाम है क्या, कांकेर, और यहां पर है गोटी टोला। ठीक है भाई, तीसरा क्या है, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। तो ये क्या हो गया, तो हो गया कबरा। क्लियर, चलिए तो ये तीन हमने देख लिए कहाँ कहाँ पर है। ठीक, अब देखते हैं यहां से कौन कौन सी चीजें मिली हैं। कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। चितवा डोंगरी से अगर मैं बात करूं तो यहां से गधे की सवारी करता एक चीनी आकृति, तो एक चाइनीज फिगर है जो कि गधे की या डोंकी की सवारी कर रहा है, एक ऐसा शैल चित्र है। और दूसरा किसका है, तो है ड्रैगन का। क्लियर है, दूसरा है क्या, गोटी टोला। गोटी टोला से UFO इसके शैल चित्र मिले हैं। क्लियर, तो वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे शैल चित्र हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन लोकेशंस पे, मैं उनको बता रहा हूं। कबरा पहाड़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जानते छो आप लोग, छिपकली, और कौन से रंग का है वो, तो गेरू रंग की है वो पेंटिंग। ठीक है, गेरू रंग की छिपकली और 36 आरो वाला पहिया या व्हील। ठीक है, इसके शैल चित्र मिले हैं कहां से, कबरा पहाड़ से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 36 आरो वाला पहिया, ऐसा शैल चित्र कहां से मिला है, हमने कहां से देखा है, कबरा पहाड़ से। अब जरा ढूंढिए कि कबरा पहाड़ जो है वो कौन से ऑप्शन में है। तो आप देखिए, ऑप्शन ए में चितवा डोंगरी दिया है, बी में गोटी टोला दिया है, सी में क्या दिया है, कबरा पहाड़। तो ये सी, कबरा पहाड़, ये है हमारा सही आंसर अपने पहले प्रश्न का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट या कथन जो है वो सत्य है। पहला स्टेटमेंट कहता है सीता बेंगरा की जो गुफा है वह रामगिरी पर्वत पर स्थित है। अब अगला आप देखोगे तो शब्द है यहां, यहां, यह, मतलब ये सब कुछ सीता बेंगरा की ही बात हो रही है। तो यहां से देवदीन रूप दक्ष और सुतनुका की प्रेम कहानी का वर्णन है, यहां से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यहां विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स जो हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, तो देख लेते हैं इस सीता बेंगरा गुफा जो है ना उसका लोकेशन। चलिए, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मैप का उत्तरी भाग है और यहां पर एक जिला आपको दिख रहा होगा जो कि सरगुजा जिला है। अब इस सरगुजा जिले में एक तहसील है, इस तहसील का नाम क्या है, तो उदयपुर। अब इसी उदयपुर तहसील में है
रामगढ़ पर्वत, इसी को रामगिरी पर्वत भी बोल देते हैं, रामगढ़ या रामगिरी पर्वत। और ये जो पर्वत है ना, ये असल में सतपुड़ा जो पर्वत है उसका क्या है, ये विस्तार, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार। यहां से एक और फैक्ट याद रख लेना, कैमूर इसको विंध्य पर्वतों का विस्तार माना जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, कैमूर विंध्य पर्वत। उदयपुर तहसील में रामगढ़ या रामगिरी पर्वत है जो कि सतपुड़ा पर्वतों का विस्तार है। तो आई होप लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा रामगढ़ पर्वत का। अब रामगढ़ पर्वत से आगे बढ़ते हैं। इस पर्वत में बेसिकली क्या है ना, कुछ गुफाएं हैं जिसमें से तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक लिख देता हूं यहां पर, लक्ष्मण बेंगरा, फिर क्या है, सीता बेंगरा, और फिर क्या है तो जोगी। ये तीनों रामायण कालीन स्थल भी हैं। लक्ष्मण बेंगरा की स्पेसिफिकली बात करोगे तो रामायण काल के अलावा इसकी कोई विशेष ऐतिहासिकता आपको नहीं मिलेगी। सीता बेंगरा और जोगी मारा के बारे में बात करते हैं। सीता बेंगरा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला की संज्ञा दी जाती है। इसी सीता बेंगरा गुफा में कालिदास जी ने मेघदूतम या मेघदूत जो है उसकी रचना भी की थी। और इसी सीता बेंगरा गुफा, यहां ऊपर लिख देता हूं, से अशोक कालीन अभिलेख भी प्राप्त होते हैं जो कि पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला की संख्या दी जाती है। आप जाओगे ना कभी सीता बेंगरा तो गुफा के अंदर से बैठ के देखोगे ना, तो ऐसा बैठने का एक एम्फीथिएटर जैसा बनाया गया है और सामने पूरा एक खुला मंच जैसा है। तो ऐसा लगता था कि ये वही एम्फीथिएटर है जहां पर लोग बैठते होंगे। ठीक है, एम्फीथिएटर का हिंदी नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा जो है ये सामने वो क्षेत्र जहां पर नृत्य होता होगा। ठीक है, एनीवेज इसको हटा देता हूं क्योंकि ABCD यहीं पर लिखा है ना, समस्या हो जाएगा। क्लियर, तो यहां तक हो गया। उसके बाद मेघदूतम की रचना या मेघदूत की रचना किसने की थी, कालिदास ने, कहां पर की थी, तो सीता बेंगरा में। और उसके बाद अशोक कालीन अभिलेख पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, कहां से, तो सीता बेंगरा से। ठीक है, जोगी मारा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ना रूपदक्ष देवदीन और सुतनुखा दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। रूपदक्ष देवदीन का नाम अगर आप बुक्स में देखोगे देवदत्त दिया होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको रूपदक्ष देवदीन बोला है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। अगला अगर आप देखोगे इनकी प्रेम कहानी के अलावा तो यहां पर भी अशोक कालीन अभिलेख मिलेंगे, फिर से वही पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में। मतलब अगर हम देखें तो अशोक कालीन अभिलेख जो है वो बेसिकली सीता बेंगरा जोगी मारा दोनों से मिला है, कोई टेंशन नहीं है। प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा है, मेघदूत की रचना सीता बेंगरा में हुई है, और ये जो प्रेम कहानी है ये जोगी मारा। कभी कंफ्यूजन होने लगे ना प्रेम कहानी कहां से, तो याद रखना प्रेम में आदमी जोगी बन जाता है, तो जोगी मारा से प्रेम कहानी, ध्यान रख लेना। क्लियर, अब ना स्टेटमेंट्स पर आते हैं और देखते हैं, परीक्षण करते हैं कौन कौन से सत्य है कौन से गलत है। सीता बेंगरा गुफा रामगिरी पर्वत पर स्थित है, तो मैंने बताया रामगढ़ या रामगिरी पर तीन प्रमुख गुफाएं जिनमें से एक सीता बेंगरा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, यहां से देवदीन रूपदक्ष और सुतनुका की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो हमने क्या देखा, प्रेम कहानी, प्रेम में आदमी जोगी बना था, मतलब जोगी मारा में वर्णन है ना कि सीता बेंगरा में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। क्लियर, उसके बाद ये बच्चों जैसा गलत लिखा गया यार, हाँ अच्छे से ठीक। तीसरा, एक मिनट यार थोड़ा सा माइक जो है वो, हाँ ठीक। तीसरा,
यहां से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो सीधी सी बात है हम दोनों जगह देखें सीता बेंगरा जोगी मारा दोनों से मिला है, ठीक है भाई। चौथा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, बताया ही हूं सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही। तो हमने क्या निकाला कि स्टेटमेंट एक सही है, उसके बाद स्टेटमेंट तीन सही है और स्टेटमेंट चार सही है। तो स्टेटमेंट एक तीन चार ये तीनों सही है। अब ऑप्शंस में जरा नजर डालो तो ऑप्शन ए कहता है एक दो तीन सही है, बी कहता है एक दो चार सही है, सी कहता है एक तीन चार सही है, और यही हमने निकाला भी है। मतलब ये जो दूसरा प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होने वाला है, स्टेटमेंट नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी एक तीन चार, स्टेटमेंट नंबर नहीं ऑप्शन नंबर सी एक तीन चार। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर दो जो है उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सही मिलान करना है, एक ओर राजवंश है और दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र दिए हैं जहां से उनकी मुद्रा प्राप्त हुई है। राजवंश कौन कौन से हैं, तो सातवाहन है, गुप्त है, वाकाटक है और कुषाण है। चलिए मैं बताते जाता हूं। सबसे पहले बात करें सातवाहन, तो जांजगीर चांपा एक जिला है जहां पर क्या है तो है बालपुर, और इस बालपुर से राजा अब पीलक की मुद्रा जो है ना वह प्राप्त हुई है, ठीक। इसके अलावा बिलासपुर में जानते हो आप लोग क्या है, चकर बेड़ा, और ये जो चकर बेड़ा है यहां से रोमकालीन मुद्रा भी मिली है, क्लियर। तो हमने क्या देखा, बालपुर जिला जांजगीर चांपा से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिनका संबंध किस वंश से है, तो सातवाहन वंश से। तो सातवाहन वंश में हम क्या जोड़ सकते हैं, तो बालपुर, मतलब आ गया क्या ए। अगला वंश गुप्त, तो गुप्त वंश के बारे में आपको बता दूं, ये है जिला दुर्ग, और इस दुर्ग जिला में एक जगह है, नाम है क्या बाना बरद, और इस बाना बरद से हमें गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं, क्लियर है। तो बाना बरद गुप्त, तो गुप्त को किससे जोड़ सकते हैं, बाना बरद, तो ए टू हुआ बी वन हो गया। अगला क्या है, वाकाटक वंश, तो ये राजनांदगांव जिला है और यहां पर एक जगह है, नाम है क्या मोहिला, और मोहिला से वाकाटक वंश के सिक्के प्राप्त हुए, क्लियर। तो वाकाटक से आप क्या जोड़ सकते हो, मोहिला, मतलब क्या हो गया सी फोर। कुषाण वंश, तो कुषाण वंश का सिक्के दो सिक्के जो है वो दो जगह से मिले हैं, एक तो क्या है तेलीकोट, कहाँ है तेलीकोट, तो तेलीकोट है बेसिकली रायगढ़ जिले में, और उसके बाद एक तो खुद है क्या बिलासपुर, तो तेलीकोट और बिलासपुर यहां से मिले हैं कुषाण वंश के सिक्के। तो कुषाण किससे जोड़ सकते हो आप, तेलीकोट से, तो A2, B1, C4 और क्या हो गया D3। तो हमने क्या कोड निकाल लिया, A2, B1, C4, D3। अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं, पहला ऑप्शन है A2, उसके बाद आ गया सीधा B3, मतलब ये गलत हो गया। दूसरे को देखो, A2 के बाद B1 होना चाहिए, B4 आ गया है, फिर गलत। C में आओ, A2 ठीक, B1 है क्या सही है, C4 है क्या सही है, D3 है क्या सही, तो ऑप्शन सी जो है हमारे तीसरे, अरे बाप रे भाग जाऊंगा बोलता है, तीसरे प्रश्न का होगा सही आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे तीसरा प्रश्न जो है उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो इतिहास की क्लासेस को अटेंड किया होगा या खुद से भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी प्रश्न था, ये बन जाना चाहिए था आपसे। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन जो है वो क्या है सत्य है। पहला कथन है शरभपुरी वंश को अमरर्य कुल भी कहा जाता था। देखिए अगर बात करें शरभपुरी वंश की तो याद रखना यह क्या था, तो एक स्थानीय राजवंश था, या कह दूं छत्तीसगढ़ का, अरे यार क्षेत्रीय राजवंश था, स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे, शरभ राज, जिन्होंने शरभपुर को राजधानी बनाकर राज किया था। तो एक राजधानी क्या मिली, शरभपुर।
कालांतर में हमें पता चलता है कि राजधानी प्रसन्नपुर भी थी, क्लियर है, हाल ही में पीएससी में आया है, 2020 में ऐसा मुझे याद आ रहा है। उसके बाद राजधानी सिरपुर भी थी। सिरपुर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो शासक का नाम था महाप्रवर राज या प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम, महाप्रवरराज भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो अभी तक क्या देखा, शरभपुरी वंश एक क्षेत्रीय राजवंश था जिसके संस्थापक शरभराज थे, शरभपुर राजधानी थी, कालांतर में प्रसन्नपुर बनी, एक राजधानी सिरपुर भी थी, सिरपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो प्रवरराज प्रथम ने। एक और फैक्ट याद रखना, ये जो प्रवरराज थे इनके एक भाई थे, नाम क्या था? व्याघ्रराज। और ये व्याघ्रराज जो है ना, इनका एक ताम्रपत्र मिलता है जिसको कहते हैं मल्हार ताम्रपत्र। क्या कहते हैं? मल्हार ताम्रपत्र, जिसमें इस वंश को अमरज कुल या अमरर्य कुल भी कहा गया है, ठीक। अब इस वंश में जितने भी राजा रहेंगे, लगभग सभी के सभी अपने आप को ताम्रपत्र में परम भागवत कहकर इंगित करेंगे, या आसान शब्दों में कहो परम भागवत की उपाधि ले लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि ये सभी किस धर्म को मानते होंगे? तो भागवत मतलब वैष्णव धर्म को, क्लियर। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको क्लियर होनी चाहिए इस वंश के बारे में। चलिए अब बताते हैं स्टेटमेंट्स को समझ के कि कौन से सत्य हैं कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, शरभपुरी वंश को अमरर्य कुल भी कहा जाता था। देखे ही हो भाई, व्याघ्रराज का जो मल्हार ताम्रपत्र था उससे पता चल जाता है ये बात। सेकंड, राजधानियां शरभपुर, प्रसन्नपुर, सिरपुर थी तो बता ही चुका हूं। ये देखो यहां पर बताया था आप लोग को मैं, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। सेकंड, थर्ड, यह जो वंश था प्रमुख रूप से वैष्णव मत को मानता था, ये भी अभी बताया हूं आपको, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। परम भागवत इनकी उपाधि थी, ये भी पॉइंट देखे हैं अपन, क्लियर। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि यहां पर सभी स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 क्या है? सही है। तो सभी स्टेटमेंट सही है। अब जरा ऑप्शंस पे नजर डालिए और देखिए कहां पर ऐसा लिखा है कि सभी 1, 2, 3, 4 सही है। ए को देखोगे तो सिर्फ 1, 2, 3 को सही बोलता है, बी को देखोगे तो सिर्फ 1, 2, 4 को बोलता है, सी को देखोगे तो सिर्फ 3 और 4 को सही बोलता है, वहीं डी को अगर आप देखें तो यह कहता है सभी स्टेटमेंट्स सही है। और हमने भी क्या निकाला है? सभी स्टेटमेंट्स सही। इसलिए ये जो ऑप्शन डी है ना, ये हमारे चौथे प्रश्न का होने वाला है सही आंसर। आई होप आप एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे इस चौथे प्रश्न के। अब आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर, तहन का पार ताम्रपत्र, इसका संबंध किससे है? ऑप्शंस में क्या है? पंप राजदेव है, भानुदेव है, सिंहराज है, और है इनमें से कोई नहीं। अगर इन तीनों राजाओं के नाम आपको ध्यान हो तो इनका संबंध किससे है? तो है कांकेर के सोमवंश से। किससे संबंध है? कांकेर के सोमवंश से। आजकल कांकेर का जो सोमवंश है ना, उससे बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सोमवंश की मैं बात करूं तो हमने देखा था ऑलरेडी इनकी 4 ब्रांचेस या 4 शाखाएं थी। एक जो थी वो थी मैकल, दूसरी थी कोसल, कोसल वालों को भी क्या कह देते थे? पांडु, ठीक। उसके बाद उत्कल, उड़ीसा वाले, और उसके बाद कांकेर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कांकेर के सोमवंश की। अब ये जो कांकेर का सोमवंश था, प्रमुख रूप से आप देखोगे ना तो ये ना कलचुरियों के सामंत के रूप में ये लोग राज किया करते थे। मध्यकालीन वाले जो वीडियो थे ना, उसमें मैंने कवर किया था, जो हम लाइव जो फ्री क्रैश कोर्स कर रहे थे ना उसमें, ठीक। अब अगर कांकेर के सोमवंश की हम बात करें ना, या इनके संबंधित अभिलेखों या रिकॉर्ड्स की बात करें, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? कांकेर अभिलेख, और दूसरा क्या है?
तहनका पार, तहनका पार भी बस्तर से ही है, ठीक है। तो कांकेर अभिलेख और तहनका पार का ताम्रपत्र। तो कांकेर का जो अभिलेख है ना, ये किसका है? तो ये है भानु देव का। और तहनका पार का जो ताम्रपत्र है, ये बेसिकली है पंपराज देव का। किसका है ये? पंपराज देव। तो हमको क्या पता था? तहनका पार ताम्रपत्र पंपराज देव का है। क्लियर? ठीक है। तो तहनका पार ताम्रपत्र का संबंध किससे है? पंपराज देव। अब पंपराज देव के ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन ए में ही आपको पंपराज देव जो है वो मिल जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारे पांचवें प्रश्न का सही आंसर जो वो रहने वाला है। क्लियर? तो आई होप ये पांचवा प्रश्न आपको समझ में आ गया। आते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। ये है कलचुरियों से संबंधित। तो कलचुरी वंश से संबंधित आपको निम्न में से बताने हैं कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है। पहला कथन जो है वो राजा जाजल देव प्रथम के बारे में है। कहता है जाजल देव प्रथम के विजय अभियानों का उल्लेख उनके रतनपुर अभिलेख में। अब देखो थोड़ा सा ऐतिहासिकता बता दूं, जो राजा जाजल देव प्रथम 1090 से लगभग 1120 तक इनका शासनकाल रहा। अगर मैं कह दूं कि कलचुरी वंश के सबसे सशक्त शासक थे, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब वन ऑफ दी बेस्ट रूलर्स कह सकते हैं कलचुरी वंश के, वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल रूलर्स, वन ऑफ दी क्या, दी मोस्ट पावरफुल रूलर किसके? कलचुरी वंश के, ठीक है। अब इनसे संबंधित अभिलेखों के बात करें तो एक तो इंपॉर्टेंट है पाली का, और दूसरा क्या है? रतनपुर का अभिलेख। अच्छे से लिख देता हूं यार रतनपुर को मैं, रतनपुर अभिलेख। अब ये जो रतनपुर अभिलेख है ना, ये बेसिकली क्या करता है? तो ये इनके विजय अभियानों का वर्णन करता है। इससे पता चलता है कि इन्होंने आंध्र खिमेड़ी लजिका भाणार तलहरी नंदावली दंडकपुर और कुट आदि क्षेत्रों में आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया था। आंध्र तो समझ गए, खिमेड़ी मतलब ये लगभग कह लो आपके उड़ीसा का गंजाम क्षेत्र है, लजिका मतलब लांजी, भाणार मतलब क्या हो गया भाई, तो भाणार मतलब भंडारा, ठीक। तलहरी मतलब बिलासपुर का दक्षिणी भाग और रायपुर का जो उत्तरी भाग है उसके बीच का क्षेत्र। दंडकपुर मतलब लगभग ये आपका मिदनापुर वाला एरिया। क्लियर? तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रख लेना कि विजय हो गया है ये विजय अभियान, ऐसा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो विजय अभियान जो है ना उसका वर्णन किसमें है? तो रतनपुर अभिलेख में। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एक काम करता हूं मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, जाजल देव द्वितीय ने कलचुरी नरेश जयसिंह को परास्त किया था। देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा ना स्टोरी को मैं पीछे लेकर चलता हूं। जाजल देव प्रथम की बात करता हूं, इनके पिता कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम। इनके पुत्र कौन थे? रत्नदेव द्वितीय। ऐसा चलता था आर पी जे, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजलदेव। तो रत्नदेव प्रथम के पुत्र जाजलदेव प्रथम, उसके बाद फिर से ये कोड जो है घूम के आ जाता था आरपीजे। आपको याद होगा ना मैंने बताया था आरपीजे को ऐसे बताया था ना R1 P1 J1, फिर मैंने बताया था R2 P2 J2, फिर मैंने बताया था आर, ऐसा ही कोड था, ठीक। तो पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र कौन? जाजलदेव। और इनके बेटे मतलब जाजलदेव प्रथम के बेटे कौन? तो रत्नदेव द्वितीय। अब पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ोगे ना तो इनको
या इनकी एक उपाधि जो है वो आपको पता चलेगी महामंडलेश्वर की। क्लियर है? जिससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली पृथ्वीदेव प्रथम जब रतनपुर पर शासन कर रहे थे तो असल रतनपुर बेसिकली त्रिपुरी के अंदर एक मंडल रहा होगा जिसका आधिपत्य किसके पास था, पृथ्वीदेव प्रथम के पास। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि त्रिपुरी के जो कलचुरी थी उन्हीं के अंडर रह के ये रतनपुर के कलचुरी शासन किया करते थे। जाजल देव आते हैं, प्रथा को तोड़ते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, ठीक। तब से लेके आप देखोगे ना तो आने वाले जो परवर्ती शासक है कहीं ना कहीं उन शासकों में आपको त्रिपुरी की तरफ से अटैक कई शासकों में देखने को मिलेगा। पहला आप देखोगे ना तो जाजलदेव प्रथम के पुत्र रत्नदेव द्वितीय के ऊपर त्रिपुरी के कलचुरी शासक गयाकर्ण अटैक करते हैं, गयाकर्ण हार जाते हैं। कालांतर में एक शासक आते हैं जाजलदेव द्वितीय, 1165 से 68 तक इनका शासन था, और शिवरी नारायण के नजदीक इनका और कलचुरी नरेश जयसिंह कहाँ के त्रिपुरी के बीच होता है युद्ध। जयसिंह देव जो है त्रिपुरी वाले परास्त हो जाते हैं और इसमें जाजल देव द्वितीय के एक सामंत थे, सामंत का नाम था क्या, उल्हण देव। उल्हण देव जो है ना वो शहीद हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी तीन रानियां थी, उल्हण देव की तीनों सती हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जाजल देव द्वितीय के समय सच में कलचुरी नरेश जयसिंह जो त्रिपुरी के थे उनसे शिवरी नारायण के नजदीक लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था जिसमें कि जयसिंह परास्त हुए थे। ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। तो अभी तक देखा है कि एक सत्य है, दो सत्य है। तीसरा देखते हैं, बहरेंद्र सायक को मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने दरबार में 8 वर्ष रखा था। तुजुके जहांगीरी के हिसाब से बहरेंद्र साय नहीं, ये कौन थे, कल्याण साय थे। मतलब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट क्या, कल्याण साय ने कोसगई को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो असल में होता क्या है कि बहरेंद्र साय के समय इनके ऊपर पठानों का आक्रमण होता है जिसके चक्कर में इन्होंने क्या किया था, कोसगई को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो कोसगई को दूसरी राजधानी बहरेंद्र साय ने बनाया था, ना कि कल्याण साय ने, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत। अब प्रश्न को देखें तो हमें बताना है कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो अभी तक क्या देखा है हमने, सत्य जो है वो एक और दो। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1 और 3 सत्य है, ठीक है भाई, गलत हो गया ये तो। बी कहता है 2 और 4 सत्य है। सी कहता है 1 और 2 सत्य है। और आप देखिए हमने भी यही निकाला है कि 1 और 2 सत्य है। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये हमारे छठे प्रश्न का होना चाहिए सही आंसर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 7वां प्रश्न। राम राय का विद्रोह की लिखा है ना किस अधीक्षक के काल में हुआ था, याद रखना। अब आपको ध्यान रखना है एक जमींदारी, नाम है क्या, सोना खान। अब इस सोना खान जमींदारी में वर्ष 1819 में यहाँ के जमींदार, नाम था क्या, राम राय। तो राम राय ने विद्रोह किया था। ये असल में ना वीर नारायण सिंह जी के क्या थे, पिताजी थे। तो सोना खान क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का जो प्रशासनिक नियंत्रण था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, उसके अगेंस्ट में ही राम राय ने क्या किया था, विद्रोह किया था। कब किया था याद करो, मैंने बताया 1819 में किया। अब इस समय अधीक्षक कौन रहेंगे, तो अधीक्षकों का काल आपको याद होगा 1818 से लेके 1830 तक। सबसे पहले अधीक्षक कौन थे, एडमंड 1818, और बनने के कुछ ही महीनों में इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे कौन आते हैं, तो एग्न्यू 1818 से लेके 1825 तक ये रहते हैं सुप्रीटेंडेंट। तो 1819 में हुआ विद्रोह किसके काल में रहेगा, खुद देख लो, एग्न्यू जो कि 1818 से 1825 तक थे क्या, तो अधीक्षक या सुप्री
attendant. तो आंसर क्या आना चाहिए? आना चाहिए P wants Agnew. अब देखो भाई Agnew कहाँ लिखे हैं, तो ऑप्शन ए को देखोगे तो सैंडिस है, बी को देखोगे हंटर है, सी को देखोगे एडमंड है, और डी को देखिए है Agnew. मतलब ऑप्शन डी जो है ना, ये हमारे सातवें प्रश्न का होना चाहिए सही आंसर. ठीक है, चलिए सातवें के बाद कौन सा प्रश्न है? आठवां प्रश्न है, निम्न दिए गए जनजाति विद्रोहों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है. ठीक, सबसे पहले मुड़िया विद्रोह की बात करूं तो हुआ था 1876 में. इस समय शासक कौन थे? तो भैरमदेव थे शासक कांति वंश से. और इस विद्रोह के नायक कौन थे? तो नायक आपको मैं बता दूं, छाड़ा सिरहा. भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, रुद्र प्रताप देव शासक थे और नायक कौन थे? तो गुंडा धुर. कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, इस समय शासन था किसका? तो फिर से वही भैरमदेव का और नागुल दोरला ये नायक थे. मेरिया विद्रोह 1842 से चालू होकर 63 तक चला था, ये शासन इस समय किसका था? तो भूपाल देव का शासन था और हिडमा मांझी नायक थे इसके. अब देखो हमको क्या करना है, कालक्रम. कालक्रम में सबसे पहले कौन सा हुआ है? 42 वाला मेरिया विद्रोह 42 से चालू हो गया था, भले 63 तक चला है लेकिन चालू कब हुआ है ये तो देखिए. 40 तो सबसे पहले मेरिया विद्रोह आना चाहिए, लिखा है चार में तो हम चार लिखेंगे. उसके बाद अब देखो क्या है, 1859 का कोई विद्रोह किस में है? तो तीन में, तो तीन लिख दिया. अगला देखोगे तो 1876 वाला मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह किस में है? तो एक में, तो एक लिख दिया. और उसके बाद चौथा कौन सा है? तो भूमकाल, और भूमकाल 1910 में है, 1910 भूमकाल दूसरे में लिखा है तो ये लिख दिया हमने. तो क्या है, 4312. अब देख लो जरा 4312 कहां पर है. तो ए में है 3412, गलत है ये. बी में है 3421, गलत है. सी में 4321, गलत. डी में देखिए 4312, मतलब ऑप्शन डी जो है ये हमारे आठवें प्रश्न का सही आंसर है. क्लियर, चले आ जाते हैं अपने नौवें प्रश्न पर. दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? चलिए सीधा सीधा आंसर बता देता हूं. पहले तो प्रफुल्ल कुमारी देवी. अब प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 तक इनका शासन था. अपने शासन काल में लगभग वर्ष 1932-33 में इन्होंने और इनके जो पति थे, इनका नाम क्या था? प्रफुल्ल चंद भंजदेव, मिलकर क्या कराया था? मां दंतेश्वरी मंदिर जो कि है दंतेवाड़ा में, उसका जीर्णोद्धार या रेनोवेट कराया था. एक और बात बताता हूं, प्रफुल्ल कुमारी देवी को ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम भी और एकमात्र महिला शासक. क्लियर है? ठीक, तो ये रहा हमारा नौवां प्रश्न. चलिए अब अगला क्या है, तो हमारा दसवां प्रश्न है, सही मिलान करना है. एक और क्रांतियां हैं, दूसरी ओर क्या है? नायक. क्रांतियां विद्रोह कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. विद्रोह अच्छे से नहीं लिखा है, ये सुहागपुर है, सैन्य विद्रोह है, उदयपुर संबलपुर. आप सब समझ गए कि 1857 की क्रांति के समकालीन हुए विद्रोह हैं छत्तीसगढ़ में, और एक उनके नायक. तो आइए क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह हुए उनके नायक कौन कौन थे उसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो 57 के समकालीन जो विद्रोह हैं और उनके नायक मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ. तो सबसे पहले है सुहागपुर विद्रोह. अब ये सुहागपुर विद्रोह है, इसके नायक कौन थे? तो रंगाजी बापू. ठीक, उसके बाद सोना खान विद्रोह, वी नारायण सिंह नायक थे.
उदयपुर विद्रोह, उदयपुर रियासत, धर्मजयगढ़ तहसील, नायक कल्याण सिंह और उनके दो भाई धीरज सिंह और शिवराज सिंह। इसके बाद एक विद्रोह था कहाँ का, संबलपुर का, और इसके नेता या नायक कौन थे, तो अरे बाप रे ज्यादा घसीटी हो गया, सुरेंद्र साय, और उसके बाद था रायपुर का सैन्य विद्रोह, नेता कौन, हनुमान सिंह। चलो अब मैचिंग करते हैं। सोहागपुर क्या देखा है हमने, रंगाजी बापू, सोहागपुर को जोड़ो रंगाजी बापू से, मतलब ए का क्या बन गया टू, यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ आसान रहेगा, ए। सैन्य विद्रोह क्या देखा है हमने, सैन्य विद्रोह में हनुमान सिंह, ये देखो यहाँ बताया मैंने सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह, तो क्या बन गया, आ गया अगला पेयर जो है वो बन गया बी थ्री। अगला क्या है, उदयपुर, उदयपुर मैंने बताया क्या, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, धीरज सिंह, तो उदयपुर को जोड़ो कल्याण सिंह से, तो सी फोर। अब डी तो वन के साथ ही आएगा, फिर भी संबलपुर में मैंने बता दिया था सुरेंद्र साय, तो हो गया क्या डी वन, ए थ्री सॉरी ए टू बी थ्री सी फोर डी वन। अब जरा ऑप्शंस को चेक करते हैं, चलते हैं कहाँ, नीचे से ऑप्शन डी से, ए टू तक तो ठीक है लेकिन बी वन आ गया गलत, सी में देखो ए टू तक ठीक है फिर बी वन आ गया गलत, बी में देखो ए टू ठीक है लेकिन फिर बी में क्या आ गया है फोर गलत। ऑप्शन ए को देखो, ए टू ठीक है, बी थ्री ठीक है, सी फोर ठीक है, डी वन यह भी सही, तो ऑप्शन ए जो है ये वैसा ही है जैसा कोड हमने बनाया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारे दसवें प्रश्न का सही आंसर है। और थोड़ा सा रुक जाओ फिर भाग जाना, ठीक है। चलिए ग्यारहवें प्रश्न पर आते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। देखिए 1889 में प्रजा हितैषी आया, छत्तीसगढ़ मित्र 1900 है, महाकौशल है 1935। प्रजा हितैषी ये पहला समाचार पत्र था, छत्तीसगढ़ मित्र पहला मासिक था, महाकौशल पहला साप्ताहिक था। इसको किसने चालू किया था, तो सबसे पहले प्रजा हितैषी को भगवान दीन सिरोठिया ने चालू किया था, क्लियर, कहां से, तो नादगांव स्टेट से, उस समय राजा भगवान दास थे ना, भगवान नहीं यार सॉरी बलराम दास ना, भगवान नहीं बलराम दास, तो राजा बलराम दास का संरक्षण प्राप्त था प्रजा हितैषी को। छत्तीसगढ़ मित्र पहला मासिक समाचार पत्र था, यह मासिक पहला छत्तीसगढ़ मित्र, किसने शुरू की थी, माधव राव सपरे, कहां से, पेंड्रा रोड से, 3 साल में बंद हो गई थी। महाकौशल 1935 प्रथम साप्ताहिक पंडित रवि शंकर शुक्ल ने चालू किया था इसे, और यही महाकौशल आगे चल के वर्ष 1951 में बन गया एक दैनिक समाचार पत्र, और यही था छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो वही पूछा है छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो मैंने क्या बताया है, महाकौशल 35 में चालू हुआ साप्ताहिक था, 51 में बन गया दैनिक, महाकौशल जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ये होगा पहला सॉरी इस प्रश्न का सही आंसर। पहला साप्ताहिक भी था, आगे चल के क्या हो जाता है दैनिक, तो प्रथम दैनिक भी बन जाता है ये, और 11वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या है, तो महाकौशल, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, 12वां प्रश्न, 1918 इसमें जो उराव विद्रोह, इसको उराव बगावत भी कहते हैं, किस रियासत में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं सरगुजा जो रियासत थी उसमें एक ग्राम था गोपाल ग्राम, इस गोपाल ग्राम में हुआ था उराव विद्रोह। इस समय सरगुजा रियासत के राजा कौन थे, तो रामानुज
शरण राजा थे और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी नेल्सन के साथ मिलके इस विद्रोह का किया था दमन। खोजबीन करने पर पता चला था कि जर्मन मिशनरियों के भड़काने से यह विद्रोह हुआ था। तो मैंने क्या बताया, सरगुजा रियासत के गोपाल ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस रियासत में, सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासत ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये होगा आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए 12वें के बाद आ जाते हैं 13वें प्रश्न पर। 1907 में रायपुर में जो कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, पता ही है आपको कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस में क्या होता है विभाजन, और वैसा ही विभाजन होगा 1907 का रायपुर में जो कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होगा उसमें। अब इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, तो करते हैं श्री केलकर और स्वागता अध्यक्ष कौन थे, हरी सी गौर, स्वागताध्यक्ष थे। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो श्री केलकर। अब देखिए श्री केलकर आपको ऑप्शन में है क्या, नहीं। ए में दादा साहेब खापड़े है, बी में रविशंकर शुक्ल है, सी में हरीश सिंह गौर है, डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यक्ष कौन थे, श्री केलकर, जो कि नहीं दिए हैं, इसलिए आंसर तो क्या आना चाहिए, डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक दो फैक्ट्स आपको और बता देता हूं इस अधिवेशन के बारे में, क्लियर। तो ऑप्शन डी आंसर सही है, इतना ध्यान रखना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ बता देता हूं। इस अधिवेशन में दादा साहेब खापड़े बेसिकली ये मांग रखते हैं कि वंदे मातरम जो है उसको गा के इस अधिवेशन को शुरू किया जाए, लेकिन दादा साहेब खापड़े की मांग को हरी सिंह गौर जी नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते हैं, तो दादा साहेब खापड़े गुस्सा होकर निकल जाते हैं कहाँ से, अधिवेशन से चले जाते हैं तात्यापारा चौक, और वहां पर जो हनुमान मंदिर है वहां पर एक सभा कर लेते हैं। इधर रविशंकर शुक्ल जी बीच में थोड़ा सा मीडिएटर का काम करते हैं, सबको मनाते हैं, अरे करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम गा लेंगे, सब लोग राजी भी हो जाते हैं। लेकिन तब तक दादा साहेब खापड़े जा चुके थे, समझ में आया। और इसी अधिवेशन में क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में नरम दल और गरम दल, इसमें कांग्रेस बढ़ जाता है। तो इधर कौन रहता है, नरम दल में हरी सिंह गौर हैं। उसके बाद आप देखोगे ना तो आपको श्री केलकर भी दिख जाएंगे, इधर आप देखोगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल मिल जाएंगे, उसके बाद लाखे जी मिल जाएंगे, वामन राव लाखे, माधव राव सप्रे जी मिल जाएंगे, दादा साहेब खापड़े जी मिलेंगे, डॉक्टर शिवराम मुंजे ये आपको मिलेंगे नरम दल में, ये राम कुमार बिहार जी के अनुसार है ना, हर पुस्तक में ये अलग अलग दिया है, हर पुस्तक में, इसलिए राम कुमार बिहार के अनुसार ये है, नरम में कौन थे गरम में कौन थे। ठीक है, वैसे आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि नरम दल में कौन गरम दल में कौन। क्वेश्चन का आंसर क्या है, श्री केलकर, जो कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 14वें प्रश्न पर आते हैं, छुई खदान जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान जो हमारा राजनांदगांव जिला है वहां पर वर्ष 1938 में हुआ था छुई खदान जंगल सत्याग्रह, और छुई खदान जंगल सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो समारू बरई, जो कि दिए हैं ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए ये जो हमारा 14वां प्रश्न है उसमें आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, समारू बरई। अब आ जाते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कंडेल नहर लिख दिया, नहर है वो, सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन के समकालीन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942। कंडेल नहर कब हुआ था, 1920। अब बताओ क्या समकालीन था, नहीं था, गलत। असल में कंडेल नहर सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के समकालीन था। गांधी जी की छत्तीसगढ़ का जो दूसरा प्रवास था वो 1920 में था। तो असल में गांधी जी के छत्तीसगढ़ के प्रवास की बात करूं तो 1920 में पहला था और 1933 में दूसरा। तो यहां पर कह रहा है कि दूसरा प्रवास, तो दूसरा प्रवास क्या आना चाहिए, 1933, लेकिन यहां पे तो 1920 लिखा है,
मतलब यह स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। तीसरा स्टेटमेंट, काजी शमशेर खान ने खान साहब की उपाधि त्याग किया था। तो जब आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक पॉइंट था उपाधियों का त्याग। उसमें आप देखेंगे कि खान साहब की उपाधि का त्याग किन्होंने किया था, तो काजी शमशेर खान ने किया था। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में सही है। चौथा स्टेटमेंट, 1922 में रायपुर में जो राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 1922 में रायपुर में राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता उमाकांत बलवंत घाटे जी ने की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, तो इस अधिवेशन में जो पंडित रवि शंकर शुक्ल थे, इन्होंने पुलिस कप्तान और जिला दंडाधिकारी, मतलब एक तरीके से कह दूं एसपी और कलेक्टर, इनको क्या किया था, परिषद के सम्मेलन में घुसने से रोक दिया था, जिसके कारण रविशंकर शुक्ल जो है इनकी क्या हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, तो ये ऐसी एक घटना थी जिसका या जिसका उल्लेख जो है एक टिप्पणी के रूप में नवजीवन में किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? तो क्या 1922 में रायपुर में राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ था, तो जी हाँ, मैंने बताया अधिवेशन जरूर हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, शुक्ला जी ने क्या किया था, और नवजीवन में किसने टिप्पणी इस पर लिखी। क्लियर? तो हमको क्या पता चल रहा है, बताना है पहले तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो स्टेटमेंट तीन सत्य है, स्टेटमेंट चार सत्य है। अब देखिए जरा ऑप्शंस को, तीन और चार कहां मिल रहा है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में लिखा है एक तीन सत्य है, बी में लिखा है दो चार सत्य है, सी में लिखा है एक दो सत्य है, और फाइनली आप देखिए ऑप्शन डी, इसमें दिया है तीन और चार सत्य है। इसलिए ये जो ऑप्शन डी है ना, ये होगा आपके 15वें, अरे बाप रे, प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए फाइनली आ जाते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। रायपुर में वानर सेना की स्थापना किसने की? देखिए वानर सेना की अगर आप बात करोगे ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, उसी समय वानर सेना जो है इसकी स्थापना होती है। कहां पर? तो एक रायपुर में और एक बिलासपुर में। काम क्या था? छोटी मोटी सभाएं करना, पर्चे बांटना, मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो बच्चों की टोली हुआ करती थी। बिलासपुर में इसकी स्थापना जो है वो वासुदेव देवरस ने की थी, और रायपुर में बलिराम दुबे आजाद ने की थी। क्लियर? क्या पूछा है रायपुर में, तो बलिराम दुबे आजाद जो है ये होने चाहिए आपके आंसर। ऑप्शंस को देखिए तो ऑप्शन ए में ही आपको बलिराम दुबे मिल जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे 16वें प्रश्न का होने वाला है सही आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार हमने 16 प्रश्नों को या 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया इतिहास के सेक्शन से छत्तीसगढ़ के। डन, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगली वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए पंचायती राज और नगरी निकायों में से। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।